ये सब मेरे साथ ही किया। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा, जब जितनी बन पड़ी दूसरों की मदद की। अब कठिन से कठिन परीक्षा लेते रहे, फिर भी आपकी भक्ति के सहारे मैं सभी को मान देता हूं। मैं भगवान नहीं और ना ही भगवान बनना चाहता हूं। एक इंसान और इंसान की तरह इज्जत से जीना चाहता था, कि आज आपने मुझसे वो भी हक छीन ली। अब अपनी वजह से किसी के शरीर पर खरोश आ जाए तो मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज दो आदमियों के छोटे खून का इल्जाम लगा। लोग आपको विघ्नहर्ता कहते हैं कि आपकी कृपा से बड़ी बड़ी मुश्किलों से मेरा पार हो जाता। मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं हुआ बाबा? मेरी श्रद्धा में क्या कमी रह गई थी बाबा, जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों किया बाबा? क्यों किया बाबा? क्यों किया? बेटा कितना रोएगी, बस भी तो कर। आई रो नहीं तो क्या करूं? अब थक गई हूं मैं। कितनी बार मेरे और मानव की शादी का मुहूर्त निकाला गया लेकिन शादी नहीं हुई। आई बेटा हर बार वजह तो अलग, लेकिन आई मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या बुरा किया है किसी का? आई हर बार किसी की नजर लग जाती है मेरी खुशी को। 2 साल से मैं मानव के साथ, लेकिन मैं उनकी नहीं बन पाई। और वो अर्चना, वो मानव से अलग होकर भी उनकी बन गई है। आई आपको नहीं लगता है सब मेरे साथ अन्याय हो रहा है? देख श्रावणी बेटा, इतना दिल छोटा मत कर। आई मुझे तो लगता है कि कभी मेरी और मानव की शादी नहीं होगी। नहीं बेटा, कैसे नहीं होगी शादी तुम्हारी? जब मैंने तुझसे वादा किया है कि तेरी और मानव की शादी होकर ही रहेगी। एक बार उसे जेल से छुटकर आने दो, फिर देख तुम दोनों की शादी मैं करवा कर रहूंगी, चाहे अच्छा मुहूर्त हो या बुरा, तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मैं जानता हूँ तू सोचता होगा कि बेटा जेल में है और बाप बाहर खुशियाँ मना रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है बेटा। मानो अभी मैं बापा की लीला को समझा हूँ। मतलब तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बापा ने जानबूझकर तेरे साथ ये करवाया है। तेरे जेल में जाने से तेरे और श्रावणी की शादी रुक गई। यही तो बापा की लीला है। तेरी शादी रुकवा कर तेरे और अर्चना की एक होने की उम्मीद उसने अब तक जिंदा रखी। मैं जानता हूँ अब भी तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तू मेरी बात का यकीन करेगा। हाँ, रही बात जेल से छूटने की, उसकी अब मुझे चिंता नहीं है। पापा ने तुझे यहाँ भिजवाया है, वही तुझे यहाँ से छुड़वाएगा। तू मान या ना मान, लेकिन मैं जो कह रहा था वही बात अब सच होने वाली है। मेरे नाटक की तरह तेरी जिंदगी में भी अब ट्विस्ट आया है। बस थोड़ा समय बीत जाने दे। समय अपने आप तेरे साथ हो लेगा। क्या चाहती हो तुम और कब तक ये सब बर्दाश्त करूं मैं? आज तक तुमने चार लोगों के सामने मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं हर वक्त चुप रहा, लेकिन आज तुमने हाथ पार कर दी। तुमने मेरी आई का अपमान किया। वैसे मेरे आई ने गलत क्या कहा? क्या गलत कहा? अर्चना, हमेशा तुम सोचती हो तुम सही हो, लेकिन इस बार तुम गलत हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी आई से इस तरह बात करने का हक तुम्हें किसने दिया? जयवंत में? नहीं अर्चना, इस बार तुम कुछ नहीं कहोगी। इस बार मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारा ये बर्ताव देखते आया हूं, तुम्हारा ये रवैया देखता आया हूं, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारी हर गलती को अनदेखा कर दिया, लेकिन तुम्हारी नजरों में मेरे और मेरे परिवार की कोई कीमत नहीं थी। उस मानव के खातिर तुमने हम सबको हमेशा नीचे दिखाया। क्यों? क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ये शादी करके तुम मुझ पे एहसान कर रही हो? तो अपनी सोच इसी वक्त बदल लो, क्योंकि शायद तुम भूल रही हो। क्योंकि इस शादी के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया था, तुम मेरे दरवाजे पर आई थी। याद है ना तुम्हें? जब तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो, तो इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? ऐसा क्यों जता रही हो जैसा ये सब कुछ तुम पे थोपा गया हो? एक बात ध्यान रखो अर्चना, माना तुम्हारा अतीत है और मैं तुम्हारा होने वाला पति, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उसके लिए मुझे अनदेखा कर दो। तुम्हें इस रिश्ते की कदर करनी होगी। इस रिश्ते को वो अहमियत देनी होगी जिसका ये हकदार है। हाय। हाँ जयवंत, अच्छा सुन, सांगली से तेरे काका काकू आए हैं। वो लोग सगाई में नहीं आ पाए थे, तो अर्चना से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसलिए तेरे काका कह रहे थे कि अगर अर्चना यहाँ आ जाए तो उससे मुलाकात भी हो जाएगी और अर्चना भी उनका आशीर्वाद ले लेगी। आई। अरे मेरी सुलोचना ताई से बात हो गई है, वो लोग भी यहीं आ रहे हैं। तू ऐसा कर, तू अर्चना से बात कर कर उससे भी यहीं ले आ। ठीक है। आई का फोन था, गांव से कुछ रिश्तेदार आए। आई चाहती है कि तुम उनसे मिलो और उनका आशीर्वाद लो, इसलिए जल्द से जल्द घर पहुंच जाओ। हाँ, अभी प्रभात आई का फोन आया था। उनके गांव से कुछ रिश्तेदार आए हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो तुम एक काम करो, तुम जयवंत के घर पहुंच जाओ। हम लोग अभी यहाँ से बस निकल ही रहे हैं। ठीक है? ठीक है। I'm sorry वर्षा, माफ कर दो। कल रात को जिस तरह से मैंने तुमसे बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं किसी और वजह से परेशान था, अंदर ही अंदर जल रहा था। एकाएक तुम सामने आ गई और सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। पर यकीन मानो वर्षा, मैंने चाहकर कुछ भी नहीं किया। सतीश, सच बताओ, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? नहीं वर्षा, वो नहीं, बाकी सब ठीक है। फैक्ट्री में अब भी काफी तनाव है, उन्हीं चीजों को लेकर कि मैं बहुत परेशान था। खैर, मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा। सतीश, अगर मेरे जॉब करने की वजह से तुम्हें मुश्किलें हो रही है, तो फिर मैं जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं वर्षा, तुम्हारी जॉब करने का फैसला हम दोनों ने मिलकर किया था, और तुम्हारे इस फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भाऊजी, ही आमची सून अर्चना। बेटा पाया पड़ जाना। अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए मेरी बहू को। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। बैठो। बस बेटा, कहाँ तक पढ़ी हो बेटी? जी मैं 10वीं पास हूँ और मैंने डिप्लोमा किया है। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हमने सुना है कि तुम जयवंत के साथ उसी फैक्ट्री में काम करती हो। जी। जयवंत बहुत अच्छी लड़की पसंद की है तुमने। वहाँ गांव में हमें पता चला कि तुम तलाकशुदा लड़की से शादी करने वाले हो, तो हमने सोचा पता नहीं लड़की कैसी होगी, क्या होगी। लेकिन बहुत अच्छी लड़की पसंद की है तुमने। बेटी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारा तलाक हुआ है उसका कोई तो कारण होगा, ऐसा क्या हुआ था? अब तो है ना, वजह तो है, बहुत बड़ी वजह है। वो अर्चना का पहला पति अच्छा इंसान नहीं था। वो तो छोड़ी, उसके घरवाले भी अच्छे लोग नहीं थे। पति और सास ने मिलकर जीना हराम कर दिया था उसका। गाली गलौज तो बेचारी सहन भी कर लेती, लेकिन मारना पीटना कसम। ये क्या कह रही हैं? आप क्यों इन सबसे झूठ कह रही? मैंने जिनसे शादी की थी उनका नाम मानव था और वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनका परिवार भी बहुत अच्छा था। अधिकतर तलाक के मामलों में जो हालात होते हैं, हमारे बीच ऐसे कुछ हालात नहीं थे, ना मेरी तरफ से और ना उनकी तरफ से। ये तो हमारी किस्मत है जिसने हमें अलग कर दिया। मैं नहीं जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी आपसे कह रही हूँ वो सही है या गलत है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो भी उस आदमी के खिलाफ जिसकी वजह से मैं इस घर की बहू बनने जा रही हूँ। नमस्ते। मानव से मिलने आओ। जयवंत सर, ये कब तक ये तुम मुझसे जमानत की उम्मीद रखता है? मुझसे? एक तरफ मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है और दूसरी तरफ ये चाहता है कि मैं तुझ पर एहसान करूं। सर मैं यहाँ से तुझे बाहर कभी निकलने ही नहीं दूंगा। यही जिंदगी भर सड़ता रहेगा तू। मैंने किया क्या सर? तूने क्या किया ना, ये तू अच्छी तरह जानता है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तुझे वाट नहीं लावली ना, मजा ना हो जयवंत राणे ना है। सर मैंने क्या किया? ये सवाल ना मुझसे पूछने के पहले एक बार अपने आप से पूछ के देखता कि तूने किया क्या। अबे दुनिया वालों के सामने तू अर्चना के साथ नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूं नौटंकी। और तुझे क्या लगा मैं चुपचाप बर्दाश्त करता और चुप बैठता? तू अभी तक मुझे जानता नहीं है। मैं चुपचाप सहने वालों में से नहीं हूं। मैं वार का जवाब डबल वार देने में विश्वास रखता हूं और तेरे साथ भी वही करूंगा। तू देख अब सपने में भी ना यहां से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत तू, और मैं तुझे यहां से बाहर निकलने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा रहा। निक तो भाई भाई मन मोरा था कसपी सारा फुल्ला। आज तुम फिर दारू पे क्या है? अरे घर में इतना टेंशन चल रहा है, बेटा उधर जेल में है और तुम दारू पे क्या है? मैं तुम्हारे सामने आज भी उड़ती हूँ, मुझे मत तंग करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा मानव उधर जेल में और तुम खुश हो। सविता, यही तो बापा की रचना है। अरे मानव और श्रावणी की शादी कैंसिल करके बापा ने मानव को जेल में भेजने का नाटक रचा है। भाई भाई कसम खाती हूँ, जब तक मेरा मानव जेल से नहीं छूटता और श्रावणी और मानव की शादी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी। वाकई में तुम चाहते हो ना कि अर्चना और मानव की शादी हो, तो मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध जाकर मैं श्रावणी और मानव की शादी करूंगी, सचिन को उसका नाम दिलाकर रहूंगी। मैंने फैसला ले लिया है। देखो प्रभात, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रही हूँ। मैंने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बस अब और नहीं। मुझे नहीं लगता कि अर्चना हमारे घर की बहू बनने लायक है। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। नहीं आई, अब ये सगाई नहीं तोड़ सकती। अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अर्चना से। लेकिन जयवंत, मेरी बात तो सुन। आई, मैं समझ सकता हूँ तू क्या बोलना चाहती है, लेकिन तू चिंता मत कराई। मैं अर्चना की जिंदगी से और उसके ख्यालों से भी मानव का नाम मिटा दूंगा। क्या हुआ आतिया, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं कैसे समझाऊं सबको कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरी मजबूरी तो है ही, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी है। आतिया, एक बात कहूँ आपसे, आई कह रही थी कि आपकी दूसरी शादी होने वाली है और वो जयवंत है, वो मेरे काका बनने वाला है। आतिया, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ मानव काका पसंद है। और अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आप मानव काका से क्यों नहीं करती?